हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष आई क्यू। सो आज का टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जो भी फेमस टेम्पल्स हैं, मीन्स जो जिस जिस टेम्पल्स के रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। सो बेसिकली तीन तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं। फर्स्ट वन इज नगरा स्टाइल, सेकेंड इज द्राविड़ा एंड थर्ड इज वेसरा स्टाइल। सो फर्स्ट हम नगरा स्टाइल के बारे में देखते हैं। बिकेम पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया। नगरा मीन्स एन फॉर नगरा, नदर एन फॉर नॉर्दर्न, ये आपको ध्यान रखना है। नगरा मीन्स नॉर्दर्न स्टाइल। नो ग्रैंड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। यहाँ कोई ग्रैंड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज नहीं पाए जाते। इन दिस स्टाइल द स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ टू बिल्डिंग्स। दो बिल्डिंग्स होते हैं, मेन टॉलर श्राइन एंड उसके साथ एक मंडपा पाया जाता है जो छोटा होता है। द गर्भगृह इज लोकेटेड डायरेक्टली बीनीथ द टॉलर शिखरा। ये जो आप देख पा रहे हैं टोला शिखरा, ये टोला शिखरा इसके नीचे ही बिल्कुल एक गर्भगृह पाया जाता है। गर्भगृह क्या होता है, जहाँ हम मूर्ति स्थापित की जाती है ना, उसकी लोकेशन को हम बोलते हैं गर्भगृह। जो उसकी लोकेशन होती है ना, वो गर्भगृह होता है। ये जो टोला शिखरा होता है, इसके नीचे ही बिल्कुल गर्भगृह होता है और यहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है। नेक्स्ट, अब यह है द्राविड़ा स्टाइल। द्राविड़ा स्टाइल कहाँ फेमस है, दैट इज़ इन साउथ इंडिया। जैसे नगरा हमारा नॉर्दर्न इंडिया में था, यह हमारा है सदर्न इंडिया में। द टेम्पल इज एनक्लोज विद इन अ कंपाउंड वॉल। जैसे हमने नगरा में देखा था, कोई कंपाउंड वॉल्स या ग्रैंड बाउंड्री वॉल्स नहीं होती, यहाँ हमारी कंपाउंडेड वॉल्स होती हैं। गोपुरम पाया जाता है। गोपुरम क्या है, ये जो हमारी एंट्रेंस गेटवे होता है ना, इन द सेंटर ऑफ फ्रंट वॉल। जो फ्रंट वॉल होती है उसके जो सेंटर में पाया जाता है, दैट इज गोपुरम एंट्रेंस। नेक्स्ट हमारा विमान, द शेप ऑफ विमाना मेन टेम्पल टावर। ये जो हमारा मेन टेम्पल टावर है ना, इसे हम विमाना कहते हैं। ऊपर हमारा शिखर आ गया, यह गर्भगृह, जैसे मैंने आपको बोला था शिखरा के नीचे, उसमें इसमें भी ऐसी है गर्भगृह। यहाँ मूर्ति रखी जाती है और यह है मंडपा। किसके तरफ से प्रमोट किया जाता है, दैट इज पल्लवास। पल्लवास की तरफ से यह प्रमोट किया गया था, दैट इज द्राविड़ा स्टाइल। नेक्स्ट तीसरा है वेसरा स्टाइल। वेसरा स्टाइल मेन आपको यही ध्यान रखना है, नगरा का प्लस हाइब्रिडाइज है प्लस द्राविड़ा। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड इन द डेक्कन पार्ट ऑफ द इंडिया, ऑल्सो कोल्ड द हाइब्रिडाइज स्टाइल। जैसे कि अभी हमने देखा है, इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ नगरा एज वेल एज द्राविड़ा स्टाइल्स। नगरा का प्लस द्राविड़ा स्टाइल्स का यह मिक्सचर होता है। और जैसे हमने पीछे देखा था, जैसे हमारा द्राविड़ा स्टाइल पल्लवास की तरफ से प्रमोट किया गया है, वेस्टर्न स्टाइल हमारी किसने प्रमोट किया था, दैट इज चालुक्यास एंड होयसालास। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम इसके बारे में कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द होलीस्ट हिंदू टेम्पल इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल। टू विच गॉड इज द टेम्पल डेडिकेटेड। ये किस गॉड को टेम्पल डेडिकेटेड है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, दैट इज शिवा। और काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पाया जाता है, दैट इज वाराणसी में, वाराणसी यूपी। नेक्स्ट, हु इज द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द टेम्पल एट तिरुपति। तिरुपति में प्रिसाइडिंग ड्यूटी कौन सा है, दैट इज वेंकटेश्वर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट टेम्पल इन नेपाल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, व्हाट इज इट्स नेम, दैट इज पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ कहाँ पाया जाता है, दैट इज इन नेपाल। किनको डेडिकेटेड है, दैट इज लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फेमस टेम्पल्स इन मुंबई इज द सिद्धिविनायक टेम्पल। हु इज द प्रिसाइडिंग ड्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। सिद्धिविनायक कौन से डीटी को डिवोटी है, दैट इज गणेशा। इस्कॉन डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा हैज एन इंटरनेशनल प्रेजेंस। हु इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन, दैट इज प्रभुपदा। इस्कॉन मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, वेयर इज अ गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। गोल्डन टेम्पल कहाँ लोकेट किया जाता है, दैट इज इन पंजाब। और पंजाब में भी कहाँ, दैट इज अमृतसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज यमनिका तीर्थ, दैट इज जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथपुरी को यमनिका तीर्थ कहा जाता है, क्यों, एक्चुअली जो गॉड ऑफ डेथ होते हैं ना, दैट इज यम। लोगों का मानना यह है कि जो गॉड ऑफ डेथ होते हैं यम, उनकी पावर नलीफाई हो जाती है बिकॉज ऑफ जगन्नाथपुरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन चारों में से कौन है, दैट इज महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कहाँ है,
दैट इज बोधगया। बोधगया कहाँ है? दैट इज बिहार। और बोधगया ही वहाँ जहाँ बुद्धा ने एनलाइटनमेंट पाई थी। और एक और चीज़, बोधगया को, महाबोधि टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था? दैट इज इन 2002। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा देवा वन, टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग्स टू? दैट इज गंगा डायनेस्टी, मेजरली ईस्टर्न गंगा। और ये कहाँ की थी? दैट इज मेडिवल उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगस? दैट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल। अभी हम देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुना मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वरा अगेन मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र पुणे में, विश्वेश्वरा दैट इज यूपी, त्रिंबकेश्वर दैट इज महाराष्ट्र, नगेश्वरा गुजरात, बैद्यनाथ झारखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु, ग्रीनेश्वरा दैट इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर? द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगन विद द राष्ट्रकूट रूल, दैट इज इनकरेक्ट। अभी हमने पीछे देखा था, पल्लवास कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू इट बाय रॉक कट टेम्पल्स, मोनोलिथिक रथास एंड स्ट्रक्चर टेम्पल्स, दैट इज बी इज करेक्ट। अभी हमने देखा था राष्ट्रकूट रूलर्स ने नहीं था इनमें रूल, उनका था उसमें था पल्लवास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स? इन चारों में से टोटल तीन है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, इन चारों में से कौन सा नहीं है? दैट इज कंपाश्वर टेम्पल, थिरुवनवम, ये तीनों ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है, ABC। यज्ञा पुरुष कुंड इन इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टेप वेल, वेयर विजिटर्स कैन वॉच अ शो ऑफ फाउंटेन्स, म्यूजिक एंड लाइट्स ईच नाइट। द वैली इज इन विच टेम्पल? दैट इज अक्षरधाम। अक्षरधाम कहाँ है? दैट इज दिल्ली में। नेक्स्ट, वेयर इज भीमाशंकर टेम्पल लोकेटेड? अभी आपको अगर याद होगा तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग्स देखे थे, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पाया जाता है? दैट इज इन महाराष्ट्र, भीमाशंकर। नेक्स्ट, द वेस्टर्न स्टाइल इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल वॉज डेवलप्ड बाय? ये भी अभी हमने पीछे देखा था, किसने प्रमोट किया वेसरा? दैट इज चालुक्यस एंड होयसालास। विच टेम्पल इज नोन एज बाहुबली टेम्पल? इन चारों में से बाहुबली टेम्पल किसे बोला जाता है? दैट इज गोमातेश्वर टेम्पल। और गोमातेश्वर टेम्पल है कहाँ पे? दैट इज कर्नाटक। नेक्स्ट, मुगल एम्परर औरंगजेब डिस्ट्रॉयड विच टेम्पल एंड बिल्ट द ज्ञानवापी मोस्क इन इट्स प्लेस? औरंगजेब ने इन चारों में से कौन सा टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था और उसकी जगह ज्ञानवापी मोस्क बनाया था? दैट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी। ये भी आपको पीछे बताइए इन यूपी। द शो टेम्पल्स एंड महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? दैट इज पल्लवास। पल्लवास के दौरान शो टेम्पल्स बनाए गए थे एट महाबलीपुरम। वेयर इज त्रिंबकेश्वर टेम्पल लोकेटेड? ये भी हमने देखा था पीछे जब हमने 12 ज्योतिर्लिंग डिस्कस किए थे, दैट इज इन महाराष्ट्र। और किस कौन सा टाउन है ये? त्रिंबक। मीनाक्षी टेम्पल इज इन, दैट इज तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल कौन सा टेम्पल है? दैट इज शैविज्म, लॉर्ड ऑफ शिवा को डिवोटी है। दैट इज नेक्स्ट, द बृहदवेश्वरा टेम्पल एट तंजोर बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स? दैट इज द्रविडियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फर्स्ट है हमारा नगरा स्टाइल बेसिस स्क्वेयर विद द नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस गिविंग इट अ क्रूसीफॉर्म शेप। क्रूसीफॉर्म शेप किसे कहते हैं? दैट इज क्रॉस शेप। ये क्रूसीफॉर्म शेप है। नेक्स्ट है हमारा द्राविडा स्टाइल, दैट इज
पिरामिडल शिकरास, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कश्मीरी स्टाइल, लोकल स्टाइल विदाउट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट बेसरा स्टाइल, हाइब्रिड ऑफ नदन एंड सदर स्टाइल, ये भी सही है हमारा। नेग्रा स्टाइल क्रूसीफॉर्म शेप, ये भी सही है। एक्चुअली इसमें से इनकरेक्ट है हमारा, दैट इज कश्मीरी स्टाइल, लोकल स्टाइल विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, ये गलत है। लोकल स्टाइल नहीं है, ये बाहर का इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा, इन चारों में से कौन से टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, दैट इज कोणार्क सन टेम्पल, और ये कहाँ है, दैट इज उड़ीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नगरा स्टाइल टेम्पल्स आर ट्रू, दिस टेम्पल्स हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, द गर्भ गृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव, ये आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, द गर्भ गृह इज ऑलवेज लोकेटेड अंडर द टॉलेस्ट टावर, ये हमने देखा था। दिस टेम्पल्स हैव इलेबोरेटेड बाउंड्री और गेटवेज, ये नगरा स्टाइल की स्पेसिफिकेशन है, दैट इज ऑफ द्राविड, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो जो जो भी इंपॉर्टेंट और फेमस टेम्पल्स के रिगार्डिंग जो जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। सो दैट्स इट, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच।